मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में देश की रक्षा में तैनात सैनिकों और शहीद जवानों के सम्मान में अनोखी राष्ट्रीय कांवड़ यात्रा। राष्ट्र हित का जज्बा लिए एक युवा करीब 45 किलो वजनी कांवड़ कांधे पर लेकर सड़क पर निकला। लोग देख रहे हैं आश्चर्य से। राष्ट्रीय कांवड़ के एक छोर पर सेना का हेलीकॉप्टर, बीच में भोलेनाथ की प्रतिमा, उस पर लगा राष्ट्रीय ध्वज, दूसरे शिवलिंग, दूसरे छोर पर शिवलिंग आकर्षण का केंद्र। अब तक हमने सावन माह में अलग अलग तरह की कांवड़ यात्रा देखी है, लेकिन पहली बार कोई युवा अकेले ही राष्ट्रीय कांवड़ यात्रा निकला है। जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर बलवाड़ा में इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर एक युवा 45 किलो वजनी राष्ट्रीय कांवड़ लेकर निकला तो हाईवे पर लोग आश्चर्य से देखने लगे। दरअसल इंदौर के द्वारकापुरी निवासी 40 वर्षीय विजय जाधव कांधे पर 45 किलो वजनी कांवड़ लेकर निकले हैं। राष्ट्रीय कांवड़ यात्रा निकालने का उनका उद्देश्य देश की रक्षा कर रहे वीर जवानों के सम्मान में और पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए नर्मदा जल भरकर उज्जैन में महाकाल का अभिषेक करना है। कांवड़ यात्री युवा ने दो घड़ों में बड़वा के खेड़ी घाट से नर्मदा का 30 लीटर जल भरा और पैदल यात्रा करते हुए उज्जैन में महाकाल का अभिषेक करेंगे। एक कलश देश की सीमा और अमरनाथ यात्रा में खड़े वीर जवानों को समर्पित है तो दूसरा पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में भगवान महाकालेश्वर का अभिषेक किया जाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कहाँ से आया? सर, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मेरी घाट से जल भरा है, उज्जैन जा रहा है। कांवड़ का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि ये बीएसएफ और आर्मियों के लिए है, जो अमरनाथ और सीमाओं पे तैनात रहते हैं उन योद्धा के लिए ये कांवड़ मैंने निकाली है और ये उन्हीं को समर्पित है और पुलवामा में जो शहीद हुआ उनको श्रद्धांजलि है। आप ये कांवड़ यात्रा कब भरी? जल आपने कहाँ से भरा? 1 अगस्त को खेड़ी घाट से जल भरा था मैंने। अच्छा, और 6 दिन करीब मतलब उज्जैन पहुंच जाएंगे 6 दिन में। अच्छा, पैदल महाकाल में जलाभिषेक करेंगे। जी हाँ। अच्छा, इसमें कांवड़ यात्रा जरा ज्यादा भारी है, मतलब इसमें पानी ज्यादा बड़ा, जल ज्यादा लिया हुआ है। ये जल मतलब जल तो है, ये कांवड़ टोटल 45 किलो की है। अच्छा अच्छा जी, वजन से नहीं है, मतलब है सिर्फ राष्ट्र की कांवड़ निकालनी थी और अच्छी भारी हो जो लोगों को प्रेरित करे कि आर्मी है तो हिंदुस्तान है, नहीं तो कुछ भी नहीं। आज जो बेफिक्र हो गया, आज ट्रेन से जो छोरा है हिंदुस्तान का, वो सिर्फ आर्मी की बदौलत है। उन्हें सलूट करना चाहिए, उन्हें सलाम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।